एंट्रेंस टेस्ट पंजाब के प्रीवियस क्वेश्चन में से 2017 की सीरीज है। ये क्वेश्चन टीचिंग पोटेंशियल से रिलेटेड है, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू ओपन ए स्कूल यू क्लोज ए प्रिजन। इट मींस दैट फर्स्ट स्कूल्स आर बिल्ड ऑन अ लैंड वेयर देयर इज ए प्रिजन। देखिए, जब भी आपने क्वेश्चन ऐसा सोचना है टीचिंग पोटेंशियल का, उसका ये नुकता है कि नैरो वाले, नेगेटिव वाले जो ऑप्शंस हैं उनको डिलीट करना है। ठीक, जो ब्रॉड वाला है जिससे मैक्सिमम लर्नर का भला होता है, जो मैक्सिमम पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसको आपने अडॉप्ट करना है। इसमें से देखते हैं, स्कूल आर बिल्ड ऑन द लैंड वेयर देयर आवर प्रिजंस, है ना, ये बात नहीं बदल रही। द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड्स क्राइम, ये बहुत ज्यादा बड़ी ब्रॉड स्टेटमेंट है कि अगर जितनी ज्यादा एजुकेशन फैलेगी उतना क्राइम कम होगा, ये बड़ी बात है। स्कूल चिल्ड्रन थ्रो स्टोन्स ऑन, ये बड़ी छोटी सी इंफॉर्मेशन है, स्पेसिफिक है, जनरलाइज नहीं किया जा सकता, नहीं आ सकती। ओपनिंग सेरेमनी ऑफ ए स्कूल कॉज मच ग्रीफ एंड पेन टू प्रिजन ऑफिशियल, ये नॉनसेंस एंड स्पेसिफिक, नैरो है। तो बचती एक है जो बहुत ब्रॉड है, राइट आंसर इज स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड द क्राइम। तो ऐसे आपने सोचना है। सेकेंड क्वेश्चन है, ए गुड टीचर इज वन हु, अच्छा टीचर कौन सा है। फर्स्ट गिव्स यूजफुल इंफॉर्मेशन, यस देनी चाहिए यूजफुल इंफॉर्मेशन। क्या यूजफुल इंफॉर्मेशन ही देना काफी है, इससे बड़ी बात अगर अगले ऑप्शन में दी गई है तो आपको रीड करना पड़ेगा। एक्सप्लेन कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, जो सिलेबस है उसके कंसेप्ट अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है, ये भी जरूरी है। गिव्स प्रिंटेड नोट्स टू स्टूडेंट्स स्कूल फीडिंग, ये एमरजेंसी में हो सकता है, बहुत ज्यादा एमरजेंसी है, कोई एक एरिया हो सकता है जिसमें बच्चे कुछ नहीं कर सके, टाइम एग्जाम का आ गया, तब ये पॉसिबल है। लेकिन क्या ये जरूरी है, फर्स्ट इसमें से ऑप्शन आएगी। लास्ट है इंस्पायर स्टूडेंट टू लर्न, सो मोस्ट वाइडर जो है, अगर इंस्पायर मोटिवेट एक टीचर करता है लर्निंग के लिए, वो खुद नोट्स भी बना लेगा, वो कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल को समझ भी लेगा, और वो यूजफुल इंफॉर्मेशन जो टीचर द्वारा दी गई है या खुद कलेक्ट करके जो है एजुकेशन के एम को अचीव कर सकता है। दैट इज वाई सबसे अच्छी ऑप्शन हमारे लिए यही है। याद रखना है कि सबसे पहला प्रिंसिपल किसी भी एजुकेशन सिस्टम का है इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, जो अफेक्टिव डोमेन पर है। अगर आप मोटिवेटेड हो तो लर्न खुद कर लोगे। इसके लिए एक कोटेशन आपके सामने रख रहा हूं, जो ए मीडियोकर टीचर टेल्स, इस कोटेशन को, सिर्फ इस कोटेशन को आप अच्छी तरह से अगर समझ लेते हो तो आप टीचिंग पोटेंशियल के लगभग 90% के करीब क्वेश्चन के सेंट्रल आइडिया को समझ लोगे। जो मीडियोकर टीचर है वो बताता है, मतलब इंफॉर्मेशन दे रहा है, नॉलेज दे रहा है। ए गुड टीचर, अब लेवल हाई आ गया, गुड टीचर एक्सप्लेन्स, बताता भी है और एक्सप्लेन भी करता है। एक्सप्लेन का मतलब है कि उस बताई हुई नॉलेज को इजी करके बच्चों तक पहुंचाता है। ठीक, एक्सप्लेन के दो मतलब है, एक इजी करके बताना, दूसरा होता है किसी चीज का कारण, रीजन बताना। तीसरा सुपीरियर टीचर, उससे भी अच्छा टीचर क्या है, डेमोंस्ट्रेट करता है अपने बिहेवियर में, वो इंफॉर्मेशन अपने में इनकल्केट करते बच्चों के सामने डेमोंस्ट्रेट करता है। दूसरा वो जो कंटेंट उसने टीच करना है, सब्जेक्ट मैटर टीच करना है, उसको सिर्फ बता नहीं देता, बोर्ड के लेक्चर मेथड से बता नहीं देता, बल्कि उस पर कोई एक्सपेरिमेंट करता है, उसको उस पर कोई ना कोई प्रोसेस को डेमोंस्ट्रेट करता है। जैसे एक साइंस का टीचर डेमोंस्ट्रेशन देता है साइंस लैब में, इसको वैसे समझिए, तो वो मच बेटर है। तो हाईएस्ट ग्रेट टीचर कौन सा है, दिस इज द सेंट्रल आइडिया। विलियम आर्थर वर्ड्स, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये कोटेशन किसके द्वारा दी गई है, इसका मीनिंग भी क्या है। तो ग्रेट टीचर क्या है, वो इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। एक बार मोटिवेशन आ गई, आपने वो फिल्म देखी होगी दंगल,
जब तक वो लड़कियां मोटिवेट नहीं थी तो वो दंगल को दुखी हृदय से करती थी। जब एक लड़की की मैरिज में, जिसकी 14 साल से पहले ही मैरिज होती है, वो कहती है कि तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए कुछ सोच तो रहा है, फिर उनको अंदर से फीलिंग होती है कि यस, हमारा बाप जो है हमारा भला चाहता है और हमें प्रोफेशन में, हमें अपवर्ड मूव करवा रहा है, तो वो तब इंस्पायर होती है, तब वो अंदर से इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से बेटर है, हमने मूव किधर करना है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर से हम चाहते हैं कि लर्न करे। तो ग्रेट टीचर जो है इंस्पायर करता है कि आपने लर्न करना है। थर्ड क्वेश्चन है, एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन लिस्टेड इन, एजुकेशन पर कानून कौन बना सकता है, सेंटर बना सकती है या स्टेट बना सकती है या दोनों बना सकते हैं। अगर कोई कानून सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है तो वो यूनियन लिस्ट में होता है, अगर कोई स्टेट सिर्फ बना सकती है, यूनियन नहीं बना सकता, वो स्टेट लिस्ट में होता है। कंक्रंट लिस्ट होती है जो अगर स्टेट और सेंटर दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो एजुकेशन आपका विषय है, उस पर कानून कौन बना सकता है, तो ये कंक्रंट लिस्ट है मैंने निकाली हुई, जो कि ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। ये जो जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं इस पर स्टेट और सेंटर दोनों ही बना सकते हैं। तो 25th नंबर पर 7th शेड्यूल है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 25th नंबर पर एजुकेशन इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एंट्री 63, 64, 60, ओके, ये सारा कुछ वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग ऑफ लेबर, ये सारा एजुकेशन पर इस, ये कंकरेंट लिस्ट में आ रहा है, ये आपने देख लिया है, इस पर स्टेट और सेंटर दोनों ही कानून बना सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल स्कूल एंड ओपन लर्निंग स्कूल इज दैट, अब आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ट्रेडिशनल स्कूल आप गवर्नमेंट स्कूल देख सकते हो जहां पर फिजिकल बच्चा जाता है और फिजिकली टीचर प्रेजेंट है और दोनों ही फेस टू फेस इंटरेक्शन करके सारा दिन एक्टिविटीज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की होती है, आप वहीं पढ़े हुए हैं। दूसरा ओपन एजुकेशन लर्निंग स्कूल होता है, यहां पर बच्चे को बहुत फ्लेक्सीबिलिटी, फ्लेक्सीबल सिस्टम होता है, एक दो तीन कुछ सब्जेक्ट में वो अपियर ना हो या फेल हो फिर भी उसको प्रोविजन दी जाती है, ये वो उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो जो स्कूल को छोड़ गए हैं, जिनकी एज 14 से अधिक हो गई है, तो उनकी एंट्री के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वो भी स्टडी कर सके, वो भी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के एम को अचीव करने के लिए उनको भी किया जा सके। तो ये है एक्चुअली है कि अब ये डिफरेंस क्या बोल रहे हैं कि जो फॉर्मर है सिस्टमेटिक है, ये ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टमेटिक है, ये दूसरे वाला जो ओपन स्कूल है उसको बोल रहे हैं कि डू नॉट कल्टीवेट कल्चरल वैल्यू। देखिए कोई भी एजुकेशन स्कूल है उसने वैल्यूज इंकल्केट करनी ही करनी है, ये नेगेटिव हो गया, ये पक्का डिलीट है। कोई भी एजुकेशन है, कोई भी स्कूल है, उसने वैल्यूज इंकल्केट करनी ही करनी है। अच्छा, द लेटर यूज मॉडर्न गैजेट्स, नहीं, स्कूल में भी इवन इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, जैसे ये इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है, स्मार्ट स्कूल पंजाब में इतने बन चुके हैं, इट मींस कि दोनों ही कर सकते हैं वो यूज। द फॉर्मर कैरी पर्सनल टच, फॉर्मर कौन सा है, अब हमारे पास बचती है कि जो ट्रेडिशनल स्कूल है सिस्टेमेटिक है इसमें से चूज करना है या वो पर्सनल टच है, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है कि शायद ओपन स्कूल में बच्चा टीचर से नहीं मिलता, हाँ मिलता है लेकिन उसके रेगुलर नहीं मिलता, तो यहाँ पर पर्सनल टच उसमें भी है लेकिन ट्रेडिशनल में ज्यादा रेगुलर टच है, दैट इज वाई इसको ऑप्टिमम कवरेंगे कि फॉर्मर स्कूल आर सिस्टमेटिक। इसमें यहाँ ये नहीं कहा गया कि वो अनसिस्टमेटिक है, दैट इज वाई हम ये चूज करें। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, टीचर्स क्लासरूम बिहेवियर शुड बी गुड बिकॉज, यस गुड चाहिए, क्यों चाहिए, तो उसके कारण आपने देना है लॉजिक के, विल सेट एन एग्जांपल, ये अच्छी बात है कि मॉडल होना चाहिए, वो एग्जांपल ये पॉजिटिव जा रहा है, छोटा सा टिक लगाएंगे, स्टूडेंट्स विल बी मोर अटेंटिव, ये भी चाहिए हमें, अटेंटिव चाहिए, अटेंटिव होंगे तो लर्न करेंगे। अच्छा, यहां पर तीसरे में थोड़ी बड़ी बात की हुई है, एनवायरमेंट वुड बी कंड्यूसिव टू लर्निंग,
बात ये बड़ी कर दी गई है कि टोटल क्लासरूम का एनवायरमेंट ये ऐसा बन जाए कि बच्चे खुद खुद लर्निंग की तरफ जाएं। तो ये ब्रॉडर बात है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये बड़ा टिक है, दैट इज वाई तीनों में से ये बेस्ट जा रहा है। स्टूडेंट विल एप्रिशिएट, सिर्फ टीचर ने एप्रिशिएशन नहीं देनी, सिर्फ जो टीचर एप्रिशिएशन लेते हैं लेकिन लर्निंग नहीं होती वो डाउन वाले गिने जाते हैं, एप्रिशिएशन होनी चाहिए, छोटा टिक है। तो हमारे लिए बेस्ट जो आंसर है वो आपके लिए बेस्ट आंसर वही होता है जो लर्निंग को फैसिलिटेट करता है। इवन नए कंस्ट्रक्टिविज्म में, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में खास करके टीचर को कहा ही एज ए फैसिलिटेटर कहा जाता है। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन ही पूछा जाए कि टीचर एज ए फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड भी कहा जाता है, लेकिन अब उसको को लर्नर भी कहा जाता है कि साथ साथ में उसने लर्न करना है। तो दूसरा उसको फैसिलिटेटर कहा जाता है। फैसिलिटेटर क्यों? क्योंकि लर्निंग को फैसिलिटेट करे, लर्नर ने खुद लर्न करना है लेकिन वो एनवायरमेंट ऐसा क्रिएट करे। तो ये कॉज जो बड़ा बताया गया है, दैट इज वाई इसको हम राइट आंसर ले रहे हैं। अगर आप सही डिसीजन ना ले पाए तो आप एक वो गैस मेथड है, वो मैं अलग भी बताऊंगा कि ये उस पर फोकस कीजिए जिसका आंसर सबसे बड़ा है। क्योंकि जिसने भी क्वेश्चन बनाना है वो ये सोचता है कि मेरा क्वेश्चन का आंसर मैं जस्टिफाई कर दूं। जब जस्टिफाई करना होता है तो उसको एडिशनल वर्ड जो उसको जस्टिफाई कर सके वो डालने पड़ते हैं, जिससे वो आंसर लंबा हो जाता है। दैट इज व्हाई आपका ये गैस भी चल सकता है, सबसे लंबे वाला आंसर सही होने की ज्यादा संभावना होती है। ये डिफरेंट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग एड्स आर यूजफुल बिकॉज दे आर, हाँ टीचिंग एड आपको बी एड करोगे, आपको बार बार ओवरहेड प्रोजेक्टर है, ब्लैक बोर्ड है, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है, स्लाइड प्रोजेक्टर है, ऐसी कई चीजें आपको यूज करने के लिए कही जाएगी, ऑडियो विजुअल है। कुछ एड्स जो होते हैं वो विजुअल जो दिखाई देने वाली, जैसे चाक बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड है, विजुअल एड है, चार्ट है, विजुअल एड है। तो अगर टेलीविजन है तो वो विजुअल भी है, ऑडिटरी भी है, और दूसरा जो है रेडियो जो है वो सिर्फ ऑडिटरी है, विजुअल नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी सेंस यूज हो रही है। हर एड पर सारी सेंसेस यूज नहीं होती। हाँ, जब आप मैक्सिमम सेंस बच्चे की, मतलब पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख है, टंग है, कान है, स्किन है, है ना, नाक है, पांच की पांच ज्ञान इंद्रिया अगर आप यूज कर लेते हो तो वो बेटर मेथड या बेस्ट मेथड एज कंपेयर टू अदर मेथड हो सकता है। तो कैसे यूजफुल है एड? हेल्प इन टीचर्स वर्क, यस करती है, इसको नेगेटिव आप नहीं कह सकते। क्वेश्चन बनाने वाले ने अच्छा क्वेश्चन बनाया है, छोटा सा टिक लगाएंगे। एक्टिवेट ऑल सेंसेस, हर बार ऑल सेंसेस नहीं है लेकिन हाँ चलो सेंसेस है, छोटा सा टिक लगाएंगे, इसको क्वेश्चन मार्क में भी रख सकते हैं। हेल्प स्टूडेंट टू बी अटेंटिव, बिल्कुल अटेंटिव करने में हेल्प करती है, यस है, राइट है, रॉन्ग नहीं है। मेक लर्निंग मोर मीनिंगफुल, ये ब्रॉड आ गया, सारी लर्निंग कवर कर रहे हैं। देखिए जिसमें लर्निंग वर्ड आ रहा है, जिसमें मीनिंगफुल वर्ड आ रहा है, इवन कंस्ट्रक्टिविज्म तो लर्निंग को एक्सप्लेन ही ऐसे करता है, मीनिंग मेकिंग प्रोसेस, बच्चा खुद जो मीनिंग नॉलेज खुद बनाता है, खुद कंसेप्ट समझता है, खुद प्रिंसिपल समझता है। सो ब्रॉडेस्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन इज, वैसे ही बड़ा लगाएंगे। सो देखिए जितने भी क्वेश्चन है उसमें जो ब्रॉड व्यू है उसको अपने ऑप्ट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलेटरी बॉडी, रेगुलेटरी जो कंट्रोल करती है फॉर टीचर एजुकेशन। देखिए एनसीटीई है, अगर आपने इसमें से गैस लगाना है वो भी सीधा लग रहा है कि ये टीचर एजुकेशन और टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये जो है स्कूल लेवल पर आपको पता है एनसीईआरटी की बुक्स होती है, यूजीसी हायर लेवल पर है रेगुलेटरी बॉडी, है ना। तो इनमें से जो राइट आंसर सीधा बन रहा है ये नॉलेज लेवल का, रिमेम्बरिंग लेवल का है, इस पर रीजनिंग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो राइट आंसर इज नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स ए स्टूडेंट एक्टिव एंड अटेंटिव इन द क्लास। देखिए दोनों वर्ड यूज किए गए हैं, अगर ये ऑप्शन होती है, जो भी ऑप्शन लर्नर को एक्टिव करती है, मोटिवेट करती है खुद लर्न करने के लिए, वो बेस्ट आंसर है। यहाँ पर कि कौन सा वो मेथड है, इम्प्रेसिव लेक्चर, एक बात समझ लेनी चाहिए
कि लेक्चर इज ए वन वे प्रोसेस, ये रहा टीचर ओके, और ये रहे स्टूडेंट, और ये बोल रहे हैं ये सुन रहे हैं, बोल रहे हैं सुन रहे हैं, बोल रहे हैं सुन रहे हैं, तो इसमें बोरिंगनेस ज्यादा होती है, इंटरेस्ट कम होता है, ज्यादा देर तक कोई भी अच्छा लेक्चर भी आप सुन नहीं सकते, ठीक है। दैट इज वाई ये वीडियो जो लाइक की जाती है वर्ल्ड वाइड हार्डली 7-8-9 मिनट की अटेंटिव जो हमारा अटेंशन स्पैन है। अच्छा, नए बच्चों का रिसर्च कह रही है कि अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, दैट इज वाई लेक्चर वाले को अगर अपने टाइम सेव करना है तो लेक्चर बेटर मेथड हो सकता है वहां, लेकिन अपने इंटरेस्ट क्रिएट करना है, एक्टिव करना है, तो लेक्चर इज नॉट ऑलवेज गुड। तो इसको हम डाउन वाले में रख रहे हैं। अच्छा, वैरायटीज इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस, कभी आप एक मेथड यूज कर करते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग से टीच करते हैं, कभी आप डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, कभी आप स्टोरी टेलिंग यूज करते हैं, है ना। तो जब वैरायटी होती है तो इंटरेस्ट बना रहता है, क्योंकि एक रेगुलर मेथड से रोज आपको अगर पनीर पसंद है कोई खिला रहा है तो उससे भी बोर हो जाते हो, तो एक मेथड नहीं, कभी पनीर हो, कभी दाल हो, कभी सब्जी हो, कभी वैरायटी, आप वैरायटी को लाइक करते हो, दैट इज व्हाई ये मच बेटर है, मच बेटर है। लेकिन आगे वाले देखिए, एग्जाम्पल यूज करनी है, हाँ यस एग्जाम्पल गुड है, गुड है, लेकिन एग्जाम्पल से ये वैरायटीज बेटर है, ठीक। क्योंकि वैरायटी में ऐसी प्रोसेसेस हो सकती है जिसमें लर्नर खुद शामिल हो गया है, खुद इंटरेक्टिव हो गया, वो सोशली इंटरेक्टिव हो गया है, कॉग्निटिवली इंटरेक्टिव हो गया है, सोचने लगा है, थिंकिंग प्रोसेस है, फिजिकली एक्टिव हो गया, ये वैरायटी में ज्यादा पॉसिबल है। कलरफुल डायग्राम्स, ये अच्छी बात है लेकिन इनिशियल है, हमारा एम जो है ज्यादा जो पॉसिबल है हम कर सकते हैं, वैरायटी से कर सकते हैं, वो मेथड फिर आप अप्लाई कर सकते हो कि जो ऑप्शन सबसे लंबी है वो राइट होने की संभावना ज्यादा है, यहां पर फिर वो ऑप्शन ज्यादा लंबी है, इट मीन्स आप इस ऑप्शन को ज्यादा चूज कर सकते हो अगर लॉजिक आप अप्लाई नहीं कर पाते तो। लेकिन मैं साथ साथ में लॉजिक बता रहा हूं, इंटरेस्टिंग टीचिंग वो होती है जो वैरायटी, जो एक्टिव, जो अटेंटिव करे, ठीक है। तो चलो, और टीचिंग रिजल्ट्स इन, टीचिंग का जो है रिजल्ट क्या रहता है, वैसे जब टीचिंग और टीचर की अच्छे की डेफिनेशन दी जाती है, अच्छा टीचर या अच्छी टीचिंग वो है जहां पर टीचर का बिहेवियर मैक्सिमम लर्निंग को लीड करे, ठीक। तो टीचिंग का संबंध इसी, टीचिंग की डेफिनेशन ही लर्निंग के बिना पूरी नहीं होती, तो राइट आंसर लर्निंग के साथ जाता है, लेकिन हम बाकी के आंसर भी डिस्कस करते हैं। तो इसको आप बड़ा टिक लगा रहे हैं कि टीचिंग रिजल्ट एक्टिवेट कर दे, हाँ ये भी ठीक है, लेकिन एक्टिवेट करके लर्निंग आगे आगे, पहले हम एक्टिवेट होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, एक्टिवेट किस लिए होते हैं, लर्निंग के लिए होते हैं, अगर ये अचीव हो रहा है ये यहाँ इससे आगे चल रहा है। नेक्स्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, ये दो बहुत बड़े, आप क्लासरूम टीचिंग में टीच करके सेल्फ एक्चुअलाइज कर सकते हो या सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हो। सेल्फ रियलाइजेशन तो मतलब है कि आपने आपकी आत्मा का आपको ज्ञान हो गया, तो मेरे ख्याल क्लासरूम में ये पॉसिबल ही नहीं है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, इसको समझने के लिए मैस्लो की हायरार्की को देख लेना चाहिए। मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स दी थी जो मोटिवेशन के लिए भी यूज होती है, और इसकी 5 स्टेजेस हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स सबसे लोएस्ट, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लोएस्ट स्टेज क्या है। दूसरी है सेफ्टी नीड्स, थर्ड है लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, देन सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये ऑप्शन है डाला गया। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है कि जो आपके बनने की संभावना थी वो लर्नर को आपने बना दिया। एक छोटा बच्चा अमिताभ बच्चन जब छोटे थे तो उनमें संभावना थी, अब वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर सके हैं। सचिन तेंदुलकर की एग्जांपल ले सकते हैं, वो उनकी एक्चुअलाइजेशन हो चुकी है, जिन्होंने अपनी लाइफ में जो पोटेंशियल बर्थ के दौरान उनमें थी, एनवायरमेंट लर्निंग एजुकेशन से वो बाहर आ गई। तो सलमान खान इनकी सभी की, अमीर खान इनकी एग्जाम्पल ले सकते हो। सेल्फ ये क्लासरूम में पॉसिबल है, इतनी बड़ी बात नहीं पॉसिबल। तो ये मैस्लो की हायरार्की है, हम ये देखते हैं कि हमारा राइट आंसर जो लर्निंग है, क्योंकि ये ज्यादा ब्रॉड है, पहले में क्या कहना था बहुत ज्यादा, इट मींस मैं पिछली स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करता हूं, अगर बहुत ज्यादा ब्रॉडर भी है जो उस स्टेटमेंट पे
नहीं कवर होता। यहाँ क्लासरूम टीचिंग आपने सोचना है, उससे आत्मज्ञान नहीं दिया जा सकता, उससे आप सलमान खान या अमीर खान किसी को नहीं बना सकते। उसके लिए जिंदगी भर की एजुकेशन, उसका नॉन फॉर्मल, फॉर्मल, इनफॉर्मल लर्निंग, उसके परिवार की कंट्रीब्यूशन, समाज की कंट्रीब्यूशन, जो है जो गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन, पर्सनल मोटिवेशन, सारा कुछ मिलके ये होता है। सिर्फ टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग नहीं कर